हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज हम लोग फार्माकोग्निसी का चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना, वो वाले चैप्टर मैंने पहले ले लिए हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और जो बाकी चैप्टर हैं जिनमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, कहानी टाइप की है, उनको हम थोड़ा सा बाद में ले लेंगे। ये ड्रग्स वाले चैप्टर फटाफट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगेन कन्फ्यूजन हो सकती है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अपने कोर्स के हिसाब से यहाँ पर केवल क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ना, जिसमें तुम्हारा उसका प्लांट के किस पार्ट से हमको वो ड्रग मिल रही है, उसका प्लांट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम, और उसकी फैमिली, ये सब बातें आ जाएंगी। देन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, एंड थेरापेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग, और उसकी थेरापेटिक एफिकेसी मतलब और वो क्या क्या कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास लग्जेटिव। लग्जेटिव कुछ और नहीं होते हैं, लग्जेटिव सबको पता है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमको लूज मोशन जो वगैरह हो जाते हैं, हमको हल्के बुल्के लूज मोशन हो या फिर क्या हो, पॉटी बहुत टाइट आ रही हो, है ना, उन सब में ये सब काम आते हैं। सबका अलग अलग रोल है और समझते हैं इसको हम लोग, स्टार्ट करते हैं। लग्जेटिव क्या होता है? लग्जेटिव तो लग्जेटिव है हमारे पास, लग्जेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परगेटिव्स या एप्रियंट्स, ठीक है ना। लग्जेटिव आर सब्सटेंस डेट लूजन, लूजन मतलब ढीला कर दे, जो लूज कर दे स्टूल, स्टूल को क्या बोलते हैं, है ना, हिंदी में बोलेंगे फीसिस, फीसिस मतलब पॉटी, जो हमारी पॉटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, ठीक है, उसको लूज कर देगी एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। बाउल, बाउल से ध्यान रखना, बाउल जब भी अब आएगा, बाउल मतलब होती कटोरी, है ना, हमारा पेट एक कटोरी आकार का है, ठीक है ना, तो उसके मोशन यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह के उसके मूवमेंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देता है। क्या मतलब है इसका, हमारा जो पेट है, मैं तुमको बता दूं बच्चों, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, मान लो ये हमारी इंटेस्टाइन है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, इसमें ना एक खास तरह के मोशन चलते हैं, इस तरीके से वेव टाइप की, यानी कि इसमें इस टाइप से ना, ये मान लो हमारी इंटेस्टाइन है, थोड़ा बड़ा कर दो, इसके अंदर ना इस टाइप से वेव, अंदर की जो मसल्स होती हैं वो इस टाइप से जैसे वेव चलती है, इस टाइप के मोशन चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मोशन। इन मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। अब जब ये मोशन होते हैं तो ये मोशन क्या करते हैं, जो हमारी पॉटी होती है उसको क्या करते हैं, खिसकाते हैं नीचे, है ना, खिसका करके नीचे धक्का मार करके कहां पहुंचाते हैं, रेक्टम के अंदर, रेक्टम में जा करके, रेक्टम वो पार्ट है एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, जो 24 घंटे हम लोग खा रहे हैं, खाना तो 3 दिन में पच के पूरा हो पाता है, और 3 दिन में फाइनली जो वेस्ट होता है वो जा करके हमारा जो लास्ट पार्ट होता है बॉडी का, जिसको हम कहते हैं रेक्टम, बॉडी का नहीं, हमारा जो इंटेस्ट, उसका जो पाचन तंत्र है, उसका जो आखिरी हिस्सा रेक्टम, और आखिरी में जाकर के यहां पर मसल्स वगैरह रहती हैं, और ये आगे पार्ट आ जाता है, इसे हम कहते हैं क्या, एनस। बात समझ में आ रही है? तो रेक्टम वो जगह है जहां पे पूरा जो वेस्ट है हमारा वो आ करके क्या होगा, इकट्ठा होता रहता है, ठीक है ना, और जब ये पूरा भर जाता है तो यहां पे फिर मोशन स्टार्ट होते हैं, और ये मोशन इसको पिचका करके एनस से बाहर करते हैं। तो यही है बाउल मूवमेंट। बात समझ में आई? बाउल मूवमेंट मतलब समझ जाना, अब ये मोशन में तेजी आती है। ओके, दे आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज सबको पता है, कब्ज बहुत तरीके होती है, ठीक है, एक कब्ज कॉमन होती है, हम कहते हैं पेट खुल के साफ नहीं हुआ। होता क्या है, यहां पर अभी भी जो फीसेस हैं वो रुकी हुई हैं, पॉटी यहां पर है पूरी तरीके से, मोशंस में कुछ कमी आ गई, गड़बड़ी आ गई, मोशंस पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पर जो है रेक्टम पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, और जब ये खाली नहीं हो पाएगा तो हमको क्या लगेगा, भरा भरा सा रहेगा पेट, ऐसा रहेगा भरा भरा सा, फ्रेशनेस ही नहीं आती है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज। कब्ज हिंदी का शब्द सबको पता होगा कि कब्ज क्या होता है। ओके, आओ आगे देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, एक लक्षण है, किस चीज का, एक सिम्टम है, नॉट अ डिजीज, क्या रहा है, एक सिम्टम है, लक्षण है, बीमारी नहीं है। पेट कई बार ठीक है, मसल्स कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, खाना पीना कुछ गड़बड़ होती है, बीमारी नहीं है। मोस्ट कॉमनली ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन इज थॉट ऑफ एज इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट,
फ्रीक्वेंट मतलब लगातार किसी वेव का आना, जो फ्रीक्वेंसी लगातार हो, और इनफ्रीक्वेंट कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। तो जो बॉवल मूवमेंट है मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉटी आ रही है पॉटी नहीं आ रही है ना, लग रहा है पॉटी आ रही है बैठते हैं पॉटी चली जाती है। ये जो मोशंस हो रहे हैं ना, ये पेरिस्टाल्सिस मोशंस, उसके हिसाब से जो बॉवल मूवमेंट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, मतलब लगातार नहीं रहते हैं। ठीक है, यूजली लेस देन 3 stools पर वीक, नॉर्मली हफ्ते में 7 दिन, 7 दिन पॉटी जाते हैं सब लोग, ठीक है ना। और अगर हफ्ते में तीन बार से कम अगर जा रहे हो तो समझ लो कब्ज हो गई है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है ना, पॉटी आ नहीं रही है, इसकी वजह से हफ्ते में मात्र 3 stools करते हो पर वीक, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कब्ज होना स्टार्ट हो गई है। हाउएवर तो भी पीपल मे हैव अदर कॉम्प्लिकेशन एज वेल, इसके अलावा पॉटी ना होना, ठीक है ना, हफ्ते में 3 बार से ज्यादा ना होना, उसके अलावा कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, वो लक्षण क्या है आओ देखते हैं। स्ट्रेनिंग विद बॉवल मूवमेंट, ठीक है ना, स्ट्रेन ताकत लगाते हैं हम लोग ना, पॉटी निकल नहीं रही तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, ताकत, है ना। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर पॉटी कैसे हो रही है, आराम से हो रही है। पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब ताकत लगानी पड़ती है, डेट इज योर स्ट्रेन, है ना। एक्सेसिव टाइम नीडेड टू पास ए बॉवल मूवमेंट, एक्सेसिव टाइम बैठा हुआ है, कई बार जाता तुम लोगों ने देखा होगा घर में एक आध लोग ऐसे होते हैं 15-20 मिनट 25 मिनट लगाते हैं, जाने के बाद लॉक हो जाते हैं और 15-20 मिनट लगाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ये जो मोशंस होते हैं ना उनके, वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। एक बार हो गए फिर होने में 1-2 मिनट का टाइम लिया, फिर 2-3 मिनट बाद फिर होंगे मोशंस, तो जब ये पेरिस्टाल्सिस मोशन होते रहेंगे तब तक उनका पेट साफ होता है और इसमें टाइम लगता है उनको, ये मोशन लगातार तो हो नहीं रहे हैं, वो 20-25 मिनट में जाकर के धीरे धीरे मोशंस हो पाते हैं और तब जाकर पेट प्रॉपर साफ हो पाता है। कुछ लोगों बेचारों को बड़ी शर्म आती है यार 25 मिनट पॉटी में क्या कर रहे थे, ठीक है एक्सेसिव टाइम ये शिकायत होती है। हार्ड स्टूल, कुछ लोगों को पॉटी बहुत टाइट होती है ना, टाइट होने की वजह से कई बार क्या होता है छिल भी जाता है, जो एनाल स्किन होती है वो छिल जाएगी। डॉक्टर पूछता है पॉटी कैसी हो रही है, तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब हार्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है ना, तो ये एक उसका आ गया। ठीक है, हो सकता है पॉटी नॉर्मल हो रही हो लेकिन बहुत 20-25 मिनट का टाइम लग रहा है लेकिन हो नॉर्मल रही है, या ऐसा हो सकता है पॉटी बहुत टाइट हो रही हो, ठीक है ना, ये सब लक्षण है उसके। पेन विद बाउल मूवमेंट सेकेंडरी टू स्ट्रेनिंग, मतलब जब आप कर रहे हो तो उसमें पेन भी होता है, कई बार जब करते हैं ना पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पेट में दर्द नहीं होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हुई है आज तक, जो लोग ये सुन रहे हैं लेक्चर देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा जब पॉटी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द नहीं होता है, वो इसी रास्ते पॉटी के ही रास्ते दर्द होता है, जिनको होता है वही फील कर सकते हैं इसको, हर कोई फील नहीं कर पाएगा, पेट में भी दर्द हो जाता है कई बार। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, ब्लोट मतलब फूल जाना, पेट फूल जाएगा। द सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट बॉवल इवैक्यूएशन, हमें ऐसा महसूस होगा, सेंसेशन मतलब फीलिंग, इनकम्प्लीट बॉवल एवैक्यूएशन, एवैक्यूएशन का मतलब खाली करना, बॉवल जो है हमारा जो पेट है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, पेट बोल देते हैं यहां पर, एक्चुअली पेट ना होकर के रेक्टम तो बोल नहीं सकते ना हम लोग, क्या कहते हैं पेट साफ नहीं हुआ, तो पेट साफ होने का मतलब क्या है, एक्चुअली रेक्टम का साफ होना होता है बट हम लोग क्या बोलते हैं, पेट का साफ होना, बात समझ में आ रही है। ओके, अब उसको हम लोग इन बीमारियों को, बीमारी मतलब इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लग्जेटिव का। लग्जेटिव क्या होते हैं, लग्जेटिव क्या होते हैं, लग्जेटिव क्या होते हैं, ये रहे लग्जेटिव, डेट लूजन द स्टूल, जो पॉटी को लूज करेंगे एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब टाइप्स ऑफ लग्जेटिव की बात करें, जैसी दिक्कत होगी, पॉटी ताकत लगानी पड़ रही है, टाइम बहुत ले रहा है या पॉटी बहुत टाइट है, जिस हिसाब की प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से लग्जेटिव दिया जाएगा, आओ देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ लग्जेटिव की बात करें, बल्क फॉर्मिंग, ठीक है ना, बल्क मतलब होता है मास, होता क्या है कई बार खाना खा रहे हैं, मास मतलब जो है हमारा जो वेस्ट है, खाना बहुत कम खा रहे हैं, वेस्ट प्रॉपर वेस्ट यहाँ पे आके इकट्ठा नहीं हो पा रहा है ना, वो मसल्स पे प्रॉपर प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, तो ये क्या करेंगे, जब इन दवाई को खाएंगे ये उसको फीसिस को क्या थोड़ा सा फुला देती है ना, मास क्रिएट करेगी, थोड़ा सा फुला देती है, और फुलाने की वजह से क्या होता है कि इन मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये भर गया है, और वो मसल्स क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्रिएट करेंगी और उसको धक्का मार के नीचे कर देंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव आल्सो नोन एज रफेज, देखो रफेज एक शब्द है, ठीक है, फाइबर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जो फाइबर वाली चीजें होती है ना, जैसे सलाद वगैरह खाते हैं, उनको वो सारी चीजें रफेज में आती हैं, ठीक है। आर सब्सटेंसेस सच एज फाइबर इन फूड,
फाइबर को अगर नॉर्मली मैं बात करूं जो हिंदी होती है वो होते रेशेदार चीजें, ठीक है। अब फूड के अंदर रेशेदार चीजें पता ही है, हल्के हल्के रेशे होते हैं, कुछ रेशे बड़े होते हैं, कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसमें सबसे अच्छा मैं बताऊं तुमको क्या है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है किसका बना हुआ होता है, सेल्युलोज का, उसको हम लोग पचा नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए खाने को क्या किया जाता है, उबाला जाता है ताकि वो पचे, लेकिन उसके बाद भी जब जो थोड़ा बहुत टूट फूट के हो जाता है, खा तो लेते हैं हम लोग, वो पचता तब भी नहीं है। और सेल्युलोज एज इट इज हमारी बॉडी से फीसेस के टॉप में फॉर्म में वापस बॉडी से बाहर आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो रफेज का काम करता है, यानी कि वो पच तो रहा नहीं है, एज इट इज रहता है। तो रफेज मतलब ऐसा लगेगा कि खाना वेस्ट जो होगा हमारा यहाँ पे आके फुल करेगा इसको, ठीक है। और इसको जब फुल होगा तभी हमारे क्या होता है, इंडिकेशन आता है किसके लिए, एक इंडिकेशन आता है कि हाँ हमको पॉटी जाना है। बात समझ में आ रही है। तो रफेज वो चीज है, हम समझ सकते हैं इस चीज को, जो हमारे लिए एक तरह से क्या करेगा, हमारे फीसिस में यानी कि हमारे को जो पॉटिक है उसको क्या करता है, आसान बनाता है एक तरह से, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, पेट साफ करने में हमको आसानी देता है ये। ओके, क्या कह रहा है, बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव आल्सो नोन एज रफेज आर सब्सटेंस सच एज फाइबर इन फूड, फूड में जो फाइबर होते हैं, एंड हाइड्रोफिलिक एजेंट, हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को खींचेंगे। अब देखो क्या है, अगर जो हमारा वेस्ट मटेरियल, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो फाइबर हाइड्रोफिलिक, ये क्या करेगा, जब आ गया है और अगर ये बहुत ज्यादा ड्राई है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निचोड़ लिया गया है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे गन्ना देखा है, गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ने उसमें डालते हैं तो गन्ने का जूस सारा निकल जाता है, ऐसे समझो कि हमने जो खाना खाया है उसमें से सारा न्यूट्रिएंट खींच लिया हमारी बॉडी में। अब जो वेस्ट बाहर निकल के आ रहा है वो रूखा सूखा सा वेस्ट है, अगर वो रूखा सूखा वेस्ट हमारा जो पाइपिंग सिस्टम है ना इंटेस्टाइन का, वो रूखा सूखा वेस्ट इस तरीके से इसके अंदर से ऐसे आएगा तो खुरचटे लग जाएंगी, क्या लगेंगी, खुरचटे। इवन जिस समय वो हमारे एनस से पास हो रहा होगा वहां पे भी खुरचट डाल सकता है। तो होना क्या चाहिए, अच्छा नॉर्मली क्या हमारी बॉडी इसको क्या करती है, वेस्ट को थोड़ा सा म्यूकस लगा करके, और है ना समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, म्यूकस लगा करके उसको एक गाढ़ा गाढ़ा मतलब उस तरह से कर देती है। लेकिन अगर बॉडी किसी वजह से नहीं कर पा रही है, यानी कि इसके अंदर किसी कमी है, पानी की कमी है, तो बल्क फॉर्मिंग हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब पानी, पानी को भी खींचती है इंटेस्टाइन से, थोड़ा थोड़ा पानी खींच करके इस वेस्ट में ऐड करती है, जिससे कि ये वेस्ट हार्ड से हल्का सा लूज हो जाता है, ठीक है। इन ओके एजेंट इन ओवर द काउंटर ड्रग्स, ठीक है, कह रहा है, फिर से देखते हैं, बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव आल्सो नोन एज रफेज, इनको हम रफेज कहते हैं, दीज आर द सब्सटेंस सच एज फाइबर इन फूड एंड हाइड्रोफिलिक एजेंट इन ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसके लिए हमें ओवर द काउंटर है ये ओटीसी, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मली जाके चले जाओगे तो वो दे देगा, ठीक। डेट एड, ये एड करते हैं बल्क एंड वाटर टू स्टूल, अगर स्टूल थोड़ा है तो उसको फुला करके बड़ा करेगी, और वाटर स्टूल में क्या ऐड करेगी, पानी ऐड करवाती जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, सो दैट दे कैन पास मोर इजिली थ्रू द इंटेस्टाइन, अब ये इंटेस्टाइन से इजिली पास हो सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, कौन से इंटेस्टाइन की पार्ट हो रही है, इंटेस्टाइन के पता है ना, इस तरह से ध्यान है, पेट होता है, फिर ये जो लोअर, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, तो जो इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है, हम कह सकते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यहां से आसानी से क्या हो रहा है, ये पास हो सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे छी 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 सर क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ओके, आ जाओ इधर पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, छी छी नहीं करना है ना, कुछ लोग आगे इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे शायद डी फार्मा करने के बाद क्या करेंगे, शायद हाई स्टडी या तो एम फार्म करेंगे, या कुछ लोगों का मूड बदल जाएगा, शायद बी एम एस या एम बी बी एस भी कर सकते हैं, तब ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो क्या आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी मतलब क्या खासियत है इसकी, साइट ऑफ एक्शन क्या है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, ये दोनों जगह काम करता है, स्मॉल में भी काम करेगा और लार्ज में भी काम करता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 12 से 72 घंटे के अंदर ये अपना काम चालू कर देता है। एग्जाम्पल क्या है, डाइट्री फाइबर या इसबगुला या इसबगोल, है ना, इसबगोल की भूसी सबने सुनी, ठीक है, वो यही काम करती है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये एक हो गया बल्क फॉर्मिंग, दूसरा आता है डाइट्री फाइबर, ठीक है, डाइट्री फाइबर, ब्रिटिश में स्पेलिंग कैसी है, फाइबर, तो दोनों ही चीजें सही है, जो स्पेलिंग अपना लो, और रफेज, है ना, बल्क फॉर्मिंग में रफेज था, अब उसकी डिटेलिंग हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे तो इसके अंदर जितनी चीजें पड़ेंगे ना वो पक्के से खानी, हर किसी को रोज खानी है, ठीक है। रफेज इज द पोर्शन ऑफ प्लांट
प्लांट का वह पोर्शन है, प्लांट डराइव्ड फूड, प्लांट डराइव्ड फूड का वो पोर्शन है डेट कैनॉट बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्लांट जो प्लांट डराइव्ड फूड है, हम लोग गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें से वो पार्ट, उसके अंदर केमिकल का वो हिस्सा जिसको हमारी बॉडी का एंजाइम तोड़ नहीं पाता है, पचा नहीं पाती हमारी बॉडी, ठीक है, जब पचाएगी नहीं तो एज इट इज बॉडी से बाहर निकाल देगी, है ना, वो वेस्ट का काम करेगी। ओके, डाइट्री फाइबर कंसिस्ट ऑफ नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कुछ और नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे जो स्टार्च नहीं होते हैं, एंड अदर प्लांट कंपोनेंट सच एज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो प्लांट के हर सेल में पाया जाता है एज अ सेल वॉल, प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च, अब स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कुछ जैसे हम गेहूं खा रहे हैं ना उसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट तो हमको एनर्जी देता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी है जिसको हमारा एंजाइम तोड़ नहीं पाता है, वो एज इट इज बॉडी से पास होता है। रेजिस्टेंट डेक्सट्रिन अगेन एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट की, इन्यूलिन लिग्निन काइटिन जो फंगस में पाया जाता है, पेक्टिन बीटा ग्लूकोन एंड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना। तो ये कुछ डाइट्री फाइबर के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स के नाम दे दिए, ये क्या दे दिए हैं, किसी चीज के अंदर जो हम चीजें खाते हैं उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइट्री फाइबर बोलेंगे, उनके नाम दिए हैं यहां पर, क्लियर है। एग्जाम्पल ले लें फ्रूट्स में सच एज बनाना, दो दिस डिपेंड्स ऑन देयर राइपनेस, बनाना पे डिपेंड करता है जितना पका होगा उतना ज्यादा, ठीक है ना, कितना पका है कितना पका नहीं है। कीवी फ्रूट्स, प्रूनस, एप्पल्स विद स्किन, अगर स्किन के साथ है ना, हम लोग कहते हैं ना सेब को अगर छिलके के साथ खाओ तो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्यों, छिलके में रफेज फाइबर्स बहुत ज्यादा है, उससे जो हम खाएंगे तो अगले दिन हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। देखो पेट साफ तभी होगा ना, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लें तो कॉन्सेप्ट यही है, पेट साफ कब होगा, ये रहा, पेट साफ तब होगा जब ये पूरा भर जाएगा, अगर चीजें हमने सारी क्या खा ली हैं और यहां पर फुलनेस नहीं आएगी, फुलनेस कैसे आएगी, जो फाइबर्स वगैरह होंगे जो पचेंगी नहीं चीजें वो ऐसे चली जाती हैं और फुलनेस देते हैं कि हाँ भर गया, ठीक है, अगर ये भरेगा नहीं तो पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो क्या रहेगी, बेचैनी सी रहेगी, पेट साफ होना भी जरूरी है, बहुत सारी गैसेस वगैरह साथ में पास हो जाती हैं, ठीक है। तो रफेज का कुछ और काम नहीं है, रफेज क्या कर रहा है, फुलनेस प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, वेजिटेबल्स की बात करें सच एज ब्रोकली, ब्रोकली पता है ना, पालक वगैरह, स्ट्रिंग बीन्स, केल, स्पिनक, पालक, एक और ये पालक ब्रोकली सॉरी गोभी की प्रकार है ये, और स्पिनक, कुक्ड विंटर स्क्वैश, कुक्ड टारो पोई, कुक्ड पीस, बेक्ड पोटैटोस, है ना, विद स्किन, अगर जो गांव में है ना, गांव में देखा है छिलके वाले आलू ज्यादा खाए जाते हैं तभी उन लोगों के पेट साफ रहते हैं, ठीक है, तो हफ्ते दो हफ्ते में एक बार ही छिलके वाले आलू जरूर खाया करो, ठीक है। अब इनमें जो कुछ नाम अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, केल वगैरह, तो ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं होगा, इनके तुम लोग क्या देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो गूगल पे जाकर के। ओके, होल ग्रेन कंप्लीट, होल ग्रेन मतलब दानेदार चीजें बिना छिलके वाली, सॉरी छिलके वाली, बहुत सारी दालें आती हैं जिनके छिलके उतार दिए जाते हैं, छिलका जरूर खाना चाहिए। ब्रांड प्रोडक्ट नट्स, और क्या है, लेग्यूम्स मतलब दालें सच एज बीन्स, मटर एंड लेंटिल्स। तो ये सब चीजें क्या है, खाने के अंदर अगर हम रेगुलर लेते हैं तो ये सब फाइबर, इनके अंदर फाइबर खूब ज्यादा होता है और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं। बात समझ में आ रही है, चले आगे फाइबर्स की कहानी। अब आगे बोल रहा है, डाइट्री फाइबर हैज टू मेन कंपोनेंट, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। जो फाइबर हमने देखे अभी उसमें भी दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक क्या होता है, सॉल्युबल होता है, एक मेरे पास क्या है, सॉल्युबल फाइबर है, और एक क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर है, क्लियर है, ठीक है ना। फाइबर क्या काम करेगा, स्टूल को बल्क देगा, यानी कि स्टूल को एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। सॉल्युबल फाइबर की बात करें, फर्मेंटेबल फाइबर और प्रीबायोटिक फाइबर, फर्मेंटेबल होते हैं यानी कि ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, और प्रीबायोटिक जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके लिए काफी ये सेहतमंद होते हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया के लिए काफी अच्छे होते हैं। क्या दे रहा है पॉइंट, इट डिजॉल्व इन वाटर, इट इज जनरली फर्मेंटेड इन द कोलोन। देखो फर्मेंटेड का मतलब पता ना, सड़ना, फर्मेंट का मतलब सड़ना बिना ऑक्सीजन के, तो वो चीज क्या होती है, सड़ने लगती है, ठीक है। तो यहां सड़ने से मतलब क्या है,
कि जो बैक्टीरिया उसको खाएगा बिना ऑक्सीजन के, तो वो चीज़ जब बिना ऑक्सीजन के कोई काम हो रहा होता है, कोई चीज़ गल रही होती है, तो उसे सड़ना कहा जाता है। अब ये सड़ना हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोलोन, कोलोन पता है ना, इंटेस्टाइन का हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन का, इंटू गैसेस, ये क्या कह रहा है, इट इज जनरली फर्मेंटेड इन द कोलोन इंटू द गैसेस, एक तो गैस में बदल जाता है ये, है ना, तो गैस पास होती है बॉडी से, एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव बाय प्रोडक्ट, या तो ये सॉल्युबल फाइबर किसमें बदल जाएंगे, गैस में, या बाय प्रोडक्ट सच एज शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस इन द कोलोन बाय गट बैक्टीरिया, ठीक है ना, या फिर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी एक केमिकल है, बात समझ आ रही है, किसके द्वारा, गट बैक्टीरिया, गट मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उनके द्वारा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है बीटा ग्लूकोन्स, किसमें पाए जाते हैं, ओट में, बार्ले में एंड मशरूम में, एंड रॉ ग्वारगम, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसके अंदर सोल्युबल फाइबर पाए जाते हैं। सोल्युबल फाइबर इज जनरली विस्कस, है ना, विस्कस मतलब गाढ़े होते हैं, एंड डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है ना, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग विच इन ह्यूमंस कैन रिजल्ट इन एन एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ फुलनेस। गैस्ट्रिक, देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, जो लोग पतला होना चाहते हैं, होता क्या है, खाना खाया दो घंटे तीन घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर खा लिया, फिर भूख लग गई, एक्टिविटी होने रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये खाने से क्या होता है, ये गाढ़े गाढ़े होते हैं, तो पेट में काफी टाइम तक रहेंगे ये, और धीरे धीरे पेट को खाली करते हैं ना, इन विच कैन रिजल्ट इन एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ फुलनेस, काफी देर तक पेट भरा रहेगा, सुबह खा लिया तो दोपहर के बाद तक भरा हुआ है पेट, इससे क्या होगा, भूख कम लगेगी, बार बार खाना नहीं खाएंगे, बार बार खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा बेमतलब की चीजें नहीं खाएंगे, मान लो सुबह खाया, भूख लग गई, काम पे समोसा खा लिया, अब समोसे में कौन सा फाइबर मिलने वाला, कोई फाइबर नहीं मिलेगा, तली हुई चीजों को फाइबर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, पेट की दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, वही कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, है ना, सब एक ही बीमारी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, पेट को खाली होने में टाइम लेते हैं, जो लोग पतला होना चाहते हैं वो इनका इस्तेमाल जरूर करें, सॉल्युबल फाइबर नेट पर सर्च करना, मिलेगा बहुत सारा क्या क्या चीजें होती हैं, इससे क्या होगा, एक बार खाना खा लोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लंबा खींचेगा, ठीक है, काफी देर बाद भूख लगेगी, यानी कि रिजल्ट इन एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ फुलनेस, काफी देर तक पेट भरा भरा लगेगा। आगे आते हैं, इन्युलिन इन चिकोरी रूट, ठीक है ना, वीट डेक्सट्रिन जो गेहूं का डेक्सट्रिन होता है, ओलिगोसैकेराइड्स एंड रेजिस्टेंट स्टार्च, एग्जांपल दे रहा है, इन लेग्यूम्स एंड बनाना, ये बनाना होता है, आर सॉल्युबल नॉन विस्कस फाइबर, ये नॉन विस्कस है जो इसके अंदर दे रहा है, ठीक है ना, तभी क्या होता है, जल्दी से क्या होते हैं, पेट खाली कर देते हैं, विस्कस वाला गाढ़ा होता है, धीरे धीरे पेट खाली करेगा, बात समझ में आ रही है। रेगुलर इंटेक ऑफ सॉल्युबल फाइबर सच एज, जो सॉल्युबल फाइबर का रेगुलर इंटेक लें, जैसे कि बीटा ग्लूकोन्स फ्रॉम ओट्स, ओट्स का बड़ा प्रचार है, जो लोग पतला होना चाहते हैं, ओट खाओ, ओट खाओ, सुबह नाश्ते में ओट खाओ, सुना होगा, ओके, बार्ले, ठीक है, हैज बीन एस्टैब्लिश टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो इन्होंने तो एक काम और कर दिया, एलडीएल ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा कम करने में हेल्प है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम कर रहे हैं, अ रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एलडीएल जो है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो ये यहां पे भी फायदेमंद है। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, जिन लोगों को नॉलेज हो गई है, इसको थोड़ा और डिटेल में जा करके क्या क्या फूड है, क्या क्या है अपने घर में, तुम लोग डाइटिशियन बन सकते हो अब ये बातें जानने के बाद, है ना, घर में सलाह दे सकते हो, ये खाओ, इसमें क्या कहते हैं, सोल्युबल फाइबर ज्यादा है, हार्ट के जो पेशेंट है उनको ये ज्यादा दो, उससे उनका जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन रहेगा, प्लस भूख कम रहेगी, मोटापा भी कम होगा, बात समझ में आ रही है, गुड। इनसॉल्युबल फाइबर इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इज इनर्ट टू डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाता, मतलब ये पचेगा नहीं, ठीक है, इनर्ट टू डाइजेस्टिव इन द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, कहां पर, कहां की बात हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम कहां काम नहीं कर पाएंगे, अपर जो पेट का ऊपरी हिस्सा, मतलब पेट मतलब इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा होता है, वहां पर एंजाइम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, वीट ब्रैन, सेलुलोज एंड लिग्निन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो टाइप के फाइबर्स हैं, इन फाइबर का बहुत बड़ा रोल है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, क्लियर है। तो फाइबर हो गया, पहला क्या था, बल्क फॉर्मिंग, दूसरा फाइबर, तीसरा है इमोलिएंट, स्टूल सॉफ्टनर, पॉटी वॉटी सब सही है, पेट भी भरा भरा है, सब कुछ है, लेकिन पॉटी बहुत टाइट हो रही है, ठीक है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इमोलिएंट लैक्सेटिव आल्सो नोन एज स्टूल सॉफ्टनर, सॉफ्ट करते हैं स्टूल को, आर एनायनिक सर्फेक्टेंट,
मतलब क्या है, इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है और सरफेस से चिपक जाएंगे ये, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज रहेगा और सरफेस से चिपके रहेंगे। डेट इनेबल एडिशन एडिशनल वाटर एंड फैट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टूल। जब ये चिपक जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को और फैट को खींचते हैं और स्टूल के अंदर ऐड करवा देते हैं। फैट से चिपचिपापन आ जाएगा, ठीक है, इजी जो होगा उसका पैसेज इजी हो जाएगा, और पानी हो जाएगा तो हार्डनेस स्टूल की थोड़ी कम हो जाएगी। मेकिंग इट ईजियर, इससे वो आसान कर देते हैं फॉर देम, किसके लिए, टू मूव थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देम मतलब यहाँ पे स्टूल की बात हो रही है, ये आसान कर देते हैं स्टूल का मूव करने के लिए GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां से हमारा स्टूल अब इजिली मूव कर सकता है। प्रॉपर्टी की बात करें, साइट ऑफ एक्शन अगेन वही रहने वाला है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ऑनसेट 12 से 72 है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करें तो डेक्यूसेट नाम से मेडिसिन भी आती है इसकी, ठीक है, ब्रांड है इसके क्लोसे और डायकोटो, और ये ब्रांड नेम दे रखे हैं, ठीक है, इसकी वजह से तुमको जरूरत नहीं है, चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये है गिप्सिजी, जो कि हमारे पास क्या ब्रांड नेम की बात कर रहा है ये। इमोलियंट एजेंट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन रैदर देन ट्रीटिंग लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं केवल, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक करना और रोकना दोनों में अंतर है, ओके। तो इमोलियंट क्या है, स्टूल सॉफ्टनर, अगर याद ना रहे तो एक मेन चीज याद रखेंगे, स्टूल सॉफ्टनर, ऐसी उसमें, ठीक है ना, वो बल्क प्रोवाइड करवाता है ऐसी फाइबर में, एक मेन वर्ड याद रखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। लुब्रिकेंट्स, अभी समझ में आ ही रहा है, लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट जैसे कि मशीन में क्या करते हैं, इंजन के बीच में लुब्रिकेंट से काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना। जब पॉटी या स्टूल हमारे इंटेस्टाइन से पास हो रहा है, एनाल रास्ते से पास हो रहा है, तो खुरचट ना लगे तो ये लुब्रिकेंट का काम करेंगे, ठीक है ना। लुब्रिकेंट लग्जेटिव आर सब्सटेंस दैट कोट, कोट मतलब कवर करता है द स्टूल विद स्लिपरी लिपिड्स, स्लिपरी मतलब ऐसे लिपिड्स, ऐसे फैट जो फिसलने में हेल्प करते हैं, जिससे कि स्टूल हमारा इजिली पास हो जाए। एंड डिक्रीज कोलोनिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कोलोन में क्या होता है, अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन लोगों ने तुम लोगों ने हैप पढ़ रहे हो तो वहां तुम्हें पता होगा, कोलोन में जाके भी थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, यहां पर उस पानी को एब्जॉर्ब होने से ये रोक देगा, वो पानी कहां रह जाएगा, स्टूल के अंदर ही रह जाएगा और स्टूल हमारा सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा सा पास होने में उसको आसानी होगी, ठीक है, ओके। सो दैट द स्टूल स्लाइड मतलब खिसकेगा थ्रू द कोलोन मोर इजिली, ठीक है। लुब्रिकेंट लग्जेटिव ऑल्सो इंक्रीज द वेट ऑफ स्टूल, स्टूल का वजन भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम, यानी कि इंटेस्टाइन में रहने का समय उनका डिक्रीज हो जाता है, वजन बढ़ जाएगा, खिसक करके जल्दी नीचे आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चले आगे, प्रॉपर्टी की बात करें, साइट ऑफ एक्शन ये कोलोन में ही काम करेगा, ऑनसेट 6 से 8 घंटे का टाइम है, मिनरल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। मिनरल ऑयल इज द ओनली नॉन प्रिस्क्रिप्शन लुब्रिकेंट, ये ऐसा है, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ले सकते हैं। मिनरल ऑयल में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सम मिनरल्स, ये काम भी हो सकता है, साइड इफेक्ट तो ठीक है, ले लिया, लेकिन ये नहीं कि रेगुलर यूज में इसको ले रहे हैं, रेगुलर यूज में लेने के लिए डॉक्टर्स की सलाह जरूरी है, बात क्लियर हो गई, चले आगे। नेक्स्ट हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट, ठीक है, पांचवा, चार पता चल गए, लग्जेटिव जो कितने टाइप के होते हैं, चार, ये पांचवा हाइपर ऑस्मोटिक, देखो ऑस्मोसिस, बात समझ में आ रही होगी, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा होगा, इसको खाएंगे तो स्टूल के आसपास का जो एरिया होगा वो दाएं बाएं से पानी को खींचेगा, पानी खींचेगा तो स्टूल मेरा कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, हाइपर ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स आर सब्सटेंस दैट कॉज द इंटेस्टाइन टू होल्ड मोर वाटर, इंटेस्टाइन के अंदर पानी ज्यादा रुकेगा, ठीक है, विद इन एंड क्रिएट एन ऑस्मोटिक इफेक्ट दैट स्टिमुलेट अ बाउल मूवमेंट, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा बाउल मूवमेंट को, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जब पानी ज्यादा रुकेगा उससे क्या होगा, भारी भारी सा रहेगा, भारी भारी रहेगा तो जल्दी फुलनेस लगेगा और बाउल मूवमेंट है उनमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा बाउल मूवमेंट होंगे, स्टिमुलेट होगा, जिससे क्या है, फीसेस जो है आराम से पास होंगी। प्रॉपर्टी, साइट ऑफ एक्शन कोलोन, ऑनसेट ऑफ एक्शन 12 से 72 घंटे, एग्जाम्पल ग्लिसरीन सपोजिटरीज, देखा होगा तुमने शायद, बच्चे वगैरह को भी दी जाती है, सपोजिटरी होती है ग्लिसरीन की, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है एनएस में, ये हेलन ब्रांड है इसका, वहां पे जाके ग्लिसरीन क्या करती है, आसपास का जो
पानी वाला जो होता है उसको खींच करके स्टूल को सॉफ्ट करती है और बाहर निकालने में हेल्प करती है। सोर्बिटोल, लैक्टुलोज एंड पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये इसके ब्रांड नेम है, मिरालैक्स और कोलाइट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है? लैक्टुलोज वर्क बाय द ऑस्मोटिक इफेक्ट विद रिटेन वाटर, वाटर को अपने पास रिटेन रखेगा, पकड़ के रखेगा इन द कोलोन, लोअरिंग द पीएच, पीएच को कम करेगा थ्रू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन टू लैक्टिक फॉर्मिक एंड एसिडिक एसिड। ठीक है ना, जो पीएच है यानी कि उसको लो करने का मतलब क्या हो गया, पीएच की वैल्यू कम मतलब मोर एसिडिक, पीएच अगर लो होगा मतलब क्या हो गया, ये मोर एसिडिक है ना, पीएच की वैल्यू लो का मतलब एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, एंड इंक्रीजिंग द कोलोनिक पेरिस्टाल्सिस, जो इसको एसिडिक, इसका बढ़ाएगा एसिडिक नेचर, वो कहीं ना कहीं पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हेल्प करेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पता है ना, पेरिस्टाल्सिस जो वेवी मोशन होता है जिससे कि फीसिस या जो स्टूल होता है उनको धक्का लग के वो नीचे की तरफ जाती है। ग्लिसरीन सपोजिटरी वर्क मोस्टली बाय हाइपर ऑस्मोटिक एक्शन, वही हाइपर ऑस्मोटिक मतलब पानी को खींच करके, ऑस्मोसिस में हाइपर ऑस्मोसिस, पानी को ज्यादा ज्यादा खींच करके वहां पे इकट्ठा करना और स्टूल को सॉफ्ट कर देना। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड इलेक्ट्रोलाइट आर यूज फॉर होल बाउल इरीगेशन, पेट को पूरी तरीके से साफ करना है ना, आते अच्छे से साफ हो जाए, तो कह रहा है यूज फॉर होल बाउल इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना है ना, पूरा पानी से तरबतर कर देना खेत को, तो इरीगेशन वर्ड का यहां पे भी इस्तेमाल किया गया है। सॉल्यूशन ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है ना, ये मिल करके क्या करते हैं, हमारे पूरी आंत को अच्छे से धुल देंगे, पूरा साफ कर देंगे अच्छे से। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है, अ प्रोसेस डिजाइन, ये प्रोसेस डिजाइन की गई है टू प्रिपेयर बाउल फॉर सर्जरी, अगर सर्जरी करनी है, डॉक्टर को आंतें खोलनी है, आंत काट के उसके अंदर कुछ निकालना है कुछ, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। कोलोनोस्कोपी, कोलोन के अंदर हमें क्या करना है, जो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बोल रहा हूँ, जो एंडोस्कोपी होती है उसको कैमरे को डाल करके अंदर चेक करना होता है कि कहाँ पर कहीं कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेट इज योर कोलोनोस्कोपी। एंड टू ट्रीट सर्टन टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, और कुछ खास टाइप की जो पॉइजनिंग होती है, मान लो पॉइजन हमारी आंतों में है, तो इसको हम खिला करके पूरी पूरी आंत को साफ करवा देते हैं अच्छे से, जिससे क्या है पॉइजन हमारा कम से कम हो जाए। बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, सारी बातें पॉटी की हो रही हैं, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर क्या मज़ा आ रहा है, आओ देखें इसको। देन आता है सलाइन लग्जेटिव, सलाइन लग्जेटिव क्या होता है, आर नॉन एब्जॉर्बेबल ऑस्मेटिकली एक्टिव, ठीक है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगी बट ऑस्मेटिकली एक्टिव होती है सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट एंड रिटेन वाटर, ठीक है, ये क्या करेंगे, पानी को अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल, ऊपर कहते हैं पानी को एब्जॉर्ब करवा लेंगे, यह एब्जॉर्ब नहीं करता, यह पानी को खींचेगा कि आ जाओ इधर पे, ठीक है ना, और रुके रहो यहां पर। इन द इंटेस्टाइन ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब कैविटी, होल, जो इंटेस्टाइन का जो कैविटी है उसके अंदर उसको पानी को पकड़ के रोक लेते हैं, इंक्रीजिंग इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर, अब पानी आ गया है तो ल्यूमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, डेट मैकेनिकली स्टिमुलेट एवोकेशन ऑफ द बबल, अब पानी बढ़ गया है तो क्या लगेगा हमें कि प्रेशर आ रहा बहुत तेज, जाकर के पॉटी करके आ जाते हैं। बात समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज की बात करें, साइट ऑफ एक्शन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 0.5 से 3 आवर है ना, बहुत जल्दी काम करता है ओरल, और 2 से 15 मिनट रेक्टल, अगर डायरेक्ट पैसरीज वगैरह दे दी जाए रेक्टल में तो 2 से 15 मिनट का काम हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सीट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट जिसे हम कहते हैं, ये सब हमारे एक अच्छे लैक्सेटिव में काम करते हैं। देन बात करते हैं स्टिमुलेंट एजेंट, स्टिमुलेंट का मतलब क्या हो गया, हमको मान लो पेट में है भरा हुआ है लेकिन लग नहीं रहा कि पॉटी आ गई, पेट पूरा भरा हुआ है लेकिन प्रेशर नहीं, हम कहते हैं प्रेशर बन जाए, प्रेशर क्या है, स्टिमुलेंट है, एक तरह का इंडिकेशन, स्टिमुलेंट है ना, एक तरह का इंडिकेशन, स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने गर्म चीज छुई हाथ हमारा तुरंत अलग हुआ, तो गर्म चीज ने हमको स्टिमुलेट किया हाथ हटाओ, तो जब वो रेक्टम भर जाएगा हमारा तो एक स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन से कि जाओ, ठीक है ना, टॉयलेट जाओ और फ्रेश हो जाओ, लेकिन वो स्टिमुलेंट कई बार नहीं आता है, पेट भरा है स्टिमुलेंट नहीं आ रहा है,
उसको जब स्टिमुलेंट को जगाने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट एजेंट कहते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट लग्जेटिव आर सब्सटेंस दैट एक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइन की सबसे अंदर की लेयर होती है उस पर जाकर के ये काम करेगा, अल्टरिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सिक्रेशन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस जो इसका सिक्रेशन है उसको चेंज करके, ठीक है, हमारे को स्टिमुलेट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, दे आल्सो स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक एक्शन, है ना, पेरिस्टाल्टिक एक्शन है उसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, थोड़ा तेज करेगा या नहीं हो रहे होंगे तो उसको बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी, साइट ऑफ एक्शन कोलोन है, कोलोन में जाकर एक्ट करेगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन 6 से 10 आवर है, एग्जाम्पल सेना और बीसाकोडिल, सेना अपने कोर्स में भी है, देखेंगे अभी। मिसलेनियस में एक आता है कैस्टर ऑयल, ये भी अपने कोर्स में है, देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। कैस्टर ऑयल इज ए ग्लिसराइड, ग्लिसराइड क्या होते हैं, अल्कोहल और लिपिड का मिला हुआ, है ना, एस्टरीफिकेशन होके जो बना हुआ होता है, तो ये ग्लिसराइड है, दैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज टू रिसिनियोलिक एसिड, ये कंपोनेंट है इसका, विच प्रोड्यूस लग्जेटिव एक्शन बाय एन अननोन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं पता कैसे, बट हाँ रिसिनोलिक एसिड इसका वो पार्ट है जो क्या कर रहा है, हाँ लग्जेटिव एक्शन क्रिएट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। कैस्टर ऑयल को ब्रेक किया जाता है किसके द्वारा, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है कैस्टर ऑयल को ब्रेक करेगा केमिकली और उसके अंदर से केमिकल निकालेगा रिसिनोलिक एसिड जो कि लग्जेटिव की तरह एक्ट करता है। साइट ऑफ एक्शन कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों है। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें 206 घंटे की बात कर होगी, एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर ऑयल। तो ये मोटे मोटे हमारे पास 7-8 तरीके के लग्जेटिव हैं। सबका काम थोड़ा अलग है, डिपेंड करेगा जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा वो अपनी क्या प्रॉब्लम बता रहा है उस हिसाब से डॉक्टर उसको वो दवा दे देगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास बातें हो जाती हैं। अब हम आते हैं जो ड्रग्स हमारे कोर्स में है उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। एलॉय, एलॉय मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जो एलॉय नहीं जानता होगा, है ना, एलॉय को सबको पता है, पेड़ कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो ना गार्डन घरों में भी होता है, तोड़ लें इसको तो अंदर से देख रहे हो जूस जैसा निकल रहा है, यही जो जूस होता है यही काम का है, ये एलॉय बहुत काम का होता है, ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हो अमृत है, वरदान है ये इंसान के लिए। क्या कह रहा है, बॉटनिकल नेम ऑफ एलॉय वेरा इज एलॉय बारबाडेंसिस मिलर, ये इसका बॉटनिकल नेम है, इट बिलोंग्स टू एस्फोडिलेसी फैमिली, ठीक है ना, लिलिएसी कह सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नाम कैसे याद करें, देखो बच्चों नाम का कोई वो नहीं है, फिर कह रहा हूं गिनती के कितने ड्रग्स हैं इसमें, अगर तुम देखोगे तो मेरे ख्याल से 5 और लगभग 25-30 ड्रग्स हैं, 30-40 मान लो एक तरह से। बात समझ में आ रही है। तो जैसे चार आज कर लिए, इन चारों के लिख करके दिन में मैंने बताया रिविजन ही एकमात्र इलाज है इसका, ठीक है ना। अब एलॉय का एलॉय बारबाडेंसिस, ठीक है ना, तो मिलर, अब यहां पर क्या है कुछ लिंकअप करो एलॉय बारबा, है ना, तो थोड़ा सा क्या रहेगा तुम्हारा, अब एलॉय में एलॉय एलॉय लिलिएसी ऐसे ना कोरिलेट करने पड़ेंगे तब जाके याद होगा। बात समझ में आ रही है। सिनोनिम, सिनोनिम काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस बार ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा पता नहीं, बट हाँ सिनोनिम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कोर्स में मेन दे रखा है वो क्या दे रखा है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक एफिकेसी, ये तीन चीज तो तुमको याद करनी है, ठीक है। एक बार को बाकी चीजें याद रहे ना रहे वो एक बात की बात है, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखते हैं सिनोनिम में क्या है, अलॉय मुसब्बर लॉलसारा इन कन्नड़ा, ठीक है ना, लॉलसारा कहते हैं कन्नड़ा में। एलॉय वेरा क्या है, इज अ सक्यूलेंट प्लांट, सक्यूलेंट क्या होते हैं, जो अपने अंदर अपने पत्तों को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे कि अपना कैक्टस, और पानी आने को अपने पत्ते ही क्या हो जाते हैं, स्टेम का रूप ले लेते हैं और उसके अंदर पानी या जो भी चीज को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ जीनस एलॉय, जीनस क्या है इसका, एलॉय है ना, ये रहा एलॉय जीनस है, ये स्पीसीज है। इट कंटेनिंग ओवर 560 स्पीसीज, इसकी लगभग 560 प्रजातियां मौजूद है। द प्लांट इज स्टेमलेस, मैंने कहा ना स्टेम नहीं होगा, और वेरी शॉर्ट स्टेम, ये स्टेम इसके बस यही रह जाती है नीचे नीचे, ऊपर ये पत्ते हैं जो मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। विद थिक ग्रीनिश फ्लैशी लीफ, पत्ते कैसे हैं इसके, मोटे होंगे, हरे होते हैं, फ्लैशी, फ्लैशी मतलब मांसदार होते हैं। डेट अराइजेस फ्रॉम द प्लांट्स सेंट्रल स्टेम, बीच बीच में यहां पर एक सेंट्रल स्टेम होती है उसके अंदर से अराइज होते हैं, ठीक है। द मार्जिन ऑफ द लीफ इज सेरेटेड, जो मार्जिन देख रहे हो ये दांत दांत जैसे निकले हुए हैं ना, ये दिख रहे हैं दांत दांत दांत, तो दांतेदार उसके लिए ऐसे आरी होती है ना वैसे दांतेदार, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सेरेटेड,
विद स्मॉल टीथ, और छोटे छोटे से उनके दांत होते हैं। पीपल हु एक्सपीरियंसेस पीरियोडिक कॉन्स्टिपेशन, जिनको अक्सर, पीरियोडिक मतलब अक्सर समय समय पर कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, मे यूज एलोवेरा जूस एज अ नेचुरल लैक्सेटिव। वो एलोवेरा जूस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा करेगा उनको। द आउटर पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन कंपाउंड्स कॉल्ड एंथ्राक्विनोन, जो इसका आउटर पोर्शन होता है उसमें कंपाउंड पाया जाता है क्या, एंथ्राक्विनोन, एंड दीज हैव लैक्सेटिव इफेक्ट। इसके इफेक्ट कैसे होते हैं, लैक्सेटिव होते हैं। इफ अ पर्सन इज ट्राइंग एलोवेरा जूस फॉर द फर्स्ट टाइम, दे मे विश टू स्टार्ट विद अ स्मॉल सर्विंग, छोटा छोटा लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा इसका स्वाद और नेचर वैसा होता है कि वॉमिट वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन ट्राइंग टू एलोवेरा जूस फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई पहली बार ले रहा है, दे मे विश टू स्टार्ट, उनको कोशिश करनी चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए विद अ स्मॉल सर्विंग, छोटा छोटा पार्ट लेकर के, यानी कि एकदम 10 ml बता दिया तो 10 ml खा रहे हैं। द जेल फ्रॉम एलोवेरा लीव्स कैन बी यूज टॉपिकली, जो जेल निकलता है इसके अंदर का उसको हम टॉपिकली स्किन पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगाते हैं बहुत से लोग, बट शुड नॉट बी ईटन, जेल को खाना नहीं है, जूस एक अलग चीज होगी, जेल एक अलग चीज हो गया, ठीक है। पीपल या पेट के द्वारा इट कैन कॉज अनप्लीजेंट सिम्टम्स सच एज नॉइजिया, ये वॉमिटिंग है ना, जी मिचलाना जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है, कौन, जेल, और इनडाइजेशन एंड मे इवन टॉक्सिक इन लार्जर क्वांटिटीज, अगर जेल को बड़ी क्वांटिटी में खा लिया तो ये टॉक्सिक भी हो सकता है। अब अपने काम की चीज, बायोलॉजिकल सोर्स, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलॉय इज ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पत्ते का जूस लिया, सुखा लिया उसको, जूस सुखा लिया, हार्ड हो जाएगा, पीस लेंगे चूरा हो जाएगा, है ना, एलॉय, ठीक है ना, प्लांट्स एलॉय बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है ना, इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ है, यही इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है, ऑफ फैमिली एस्फोडिलेसी या लिलिएसी। केमिकल कॉन्स्टेंट क्या क्या है इसमें, एंथ्रासीन, ग्लाइकोसाइड्स, बारबेलॉइन, एलॉइन। अब तुम्हें क्या ना, सारे याद ना रहे, दो तीन खास खास जैसे जो याद कर सकते हो, जैसे सबसे पहले कौन सा याद हो जाएगा, एलॉइन याद हो जाएगा, ठीक है ना, आइसोबारबालॉइन, बारबालॉइन, है ना, एलॉइन, ए से जो नाम है वो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, एलॉय इमोडिन, एलॉयसोन, जो ए से नाम है, एलॉय से मिलते हुए नाम है वो पहले याद हो जाएंगे, तो उनको पहले याद कर लो। एलोनोसाइड्स ए एंड बी, रेजिन्स, रेजिन्स कौन कौन से हैं, रिसोर्सिनॉल, सिनामिक एसिड और कॉमेरिक एसिड, एलॉयटिक एसिड, होमोनेटलॉइन एटसेट्रा, कई सारे हैं, 3 से 4 याद रखो, काफी हैं, ठीक है, जो इतने याद हो जाए। थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें तो वाउंड हीलिंग यानी कि चोट पे अच्छा काम करते हैं ये, हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, लीवर, हेपेटो मतलब लीवर, लीवर का प्रोटेक्शन में, एंटी डायबिटिक, डायबिटीज पे इनका अच्छा असर है, स्क्रीन्स आउट रेडिएशन, हाथों पे लगा लो तो जो रेडिएशन का असर होता है उसको नहीं लगने देगा, स्किन एंड बॉडी एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, हमारी बॉडी पर इसका क्या, एंटी एजिंग मतलब बुढ़ापे को जल्दी आने नहीं देगा, लग्जेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर तो पड़ी रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन जो होता है बॉडी में उसको कम करता है, ठीक है ना, सोरियसिस या फ्रोस्ट बाइट जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, बैक्टीरिया को किल करेगा, एंटी वायरल और एंटी ट्यूमर भी है, हेल्प इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है, टिश्यू बर्न जो होता है उसको भी ठीक करता है, तो कई सारे इसके हैं, कम से कम 8, 10, 11, 12 है, 6-7 कम से कम याद कर लो फटाफट, ठीक है ना, बड़ा कॉमन है, मतलब एक तरह से हर जगह ऑल ओवर पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ये हमारे काम में आता है, क्लियर है बातें, ओके, तो समझ सक रहे हो, थेरेप्यूटिक एफिकेसी होगी। तो अब तो 3 चीजें मेन थी, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंपोनेंट और थेरेप्यूटिक एफिकेसी। आगे आते हैं, कैस्टर ऑयल जिसे हम आरंडी या आरंड का तेल भी कहते हैं, कैस्टर देखा ना ये, शायद सबने देख रखा होगा, ये पेड़ होता है, ये रहा कैस्टर, ये उसके सूखे हुए बीज, सूखा हुआ फल कह लो, उसके अंदर से ये निकले हुए उसके बीज, और बीज को निचोड़ करके ये निकला हुआ उसके अंदर से ऑयल, कैस्टर ऑयल, है ना, चलो क्या कह रहा है देखते हैं। कैस्टर ऑयल इज ए वेजिटेबल ऑयल प्रेस्ड फ्रॉम कैस्टर, कैस्टर बीन्स, जो कैस्टर बीन्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को उसको प्रेस करते हैं, पिचका करके तेल निकालेंगे। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस है और पेल येलो, कलरलेस होगा या हल्का सा पीला होता है, विद डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड ऑर्डर, इसका कुछ अलग सा टेस्ट और ऑर्डर होता है, सूंघोगे तो स्मेल कर सकते हो हल्का फुल्का। सिनोनिम की बात करें तो राइसिनस ऑयल, ऑयलियम राइसिनी, कैस्टर ऑयल सीड या कैस्टर बीन्स ऑयल, ठीक है ना, तो बड़ा ईजी हो गया, ये याद ना रहे, ठीक है, तो क्या याद रहेगा, कैस्टर ऑयल सीड या कैस्टर बीन, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, दो तो यही याद हो गए। इट इंक्लूड्स अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना, ये ट्राइग्लिसराइड मैंने क्या बताया था, ट्राइग्लिसराइड का मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर से जो ईस्टर बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसराइड्स कहते हैं, ठीक है।
इन विच अबाउट 90% ऑफ फैटी एसिड्स आर रिसिनोलिएट्स, ठीक है ना, जो फैटी एसिड होता है 90% वो कौन सा है, रिसिनोलिएट्स है। ऑयलिक एसिड एंड लाइनोलिक एसिड आर द अदर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट। देखो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कॉम्पोनेंट की बातें क्लियर होती चली जा रही हैं, थोड़ा बहुत जिक्र कर सकते हो, अदरवाइज इसका जिक्र उठा करके कॉम्पोनेंट में कर सकते हो। कैस्टर ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, है ना, साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी पड़ता है, ये पेंट में भी पड़ता है, डाइज में भी पड़ता है, कोटिंग कवरिंग में भी आता है, इंक बनाने में भी हेल्प करता है, कोल्ड रेजिस्टेंट प्लास्टिक जो प्लास्टिक ठंड से बचाव करती है, वैक्सेस एंड पॉलिशेस जो वैक्स होती है पॉलिश होती है उनमें काम होता है, नायलॉन बनाते हैं एंड परफ्यूम बनाते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है, ठीक है ना, तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज यूज्ड एज लैक्सेटिव इफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड द एबिलिटी टू हेल्प इंड्यूस लेवर, है ना, लेवर पेन जो डिलीवरी के टाइम पे लेडीज में लेवर पेन भी इंड्यूस कराता है, ठीक है। तो ये थे इसके हमारे कॉमर्शियल जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या असर करता है। ये बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन, है ना, ठंडा रख करके एक्सप्रेस करेंगे, निचोड़ेंगे, सीड ऑफ राइसिनियस कम्युनिस ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी। अब देखो इसका अगर बॉटनिकल नेम याद हो जाए क्या है, राइसिनियस कम्युनिस, तो यहां से इसका एक कॉमन नेम कवर हो जाएगा, राइसिनियस ऑयल या ऑयलियम राइसिनी, ठीक है, बॉटनिकल नेम से ही दो नाम आ गए, तो ऊपर वाला कुछ याद ना रहे ये तो याद करना पड़ेगा। केमिकल कॉन्स्टेंट का नाम बस याद रख लो, देखो क्या है, राइसी से राइसिनोलिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑयलिक एसिड हो गया, फिर इतना कर दो ऑयलिक एसिड, देन ऑयलिक एसिड का लिन लगा दो लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनो लिनोलिनिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ठीक है ना, इतना याद कर लो, इसको छोड़ दो, डाईहाइड्रो ऑक्सी स्टेरिक एसिड, तीन से चार याद कर लो, छोड़ दो, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा अगर क्षमता है बच्चों में लर्न करने की तो परसेंटेज भी साथ में याद कर सकते हैं, क्लियर है। थेरोपेटिक एफिकेसी तो हम देख ही लिए हैं कितनी सारी हैं इसकी, देख लेते हैं, टू ट्रीट रूमेटिज्म, है ना, रूमेटिज्म बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने, जोड़ों के दर्द का रहता है हिसाब किताब गड़बड़ रहता है थोड़ा सा, हेल्प इंड्यूसिंग लेबर पेन, ठीक है, बर्थ कंट्रोल, है ना, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में अंतर रखने के लिए, स्किन केयर हमारे स्किन के लिए, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन, है ना, महामारी वाला जो पेन होता है, आर्थराइटिस पेन जोड़ों का पेन में काम आता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए तो पड़ ही रहे हैं उसके अंदर, तो कब्ज तो है ही है इसका, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, माइक्रोब्स को भी किल करता है ये, सीड्स ऑयल गुड फॉर हेयर ग्रोथ, बालों के लिए भी अच्छा है, रिंग वॉर्म दांत खाज खुजली में भी काम आता है, और ड्रेनिंग एक्सेसिव फ्लूइड, हमारी बॉडी में अगर एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसमें भी ये काम करता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो पूरा काम का ही है ये, मेन कॉन्स्टिपेशन तो है ही, थेरोपेटिक एफिकेसी इसकी ये रही। नेक्स्ट आता है इस्पागुला या इसबगोल की भूसी, है ना, देखी होगी पैकेट आता है इसबगोल के नाम से, बड़ा फेमस, तो पेड़ उसका कुछ ये रहा, इसको हम निकाल कर सीड जो इसका सीड होता है ना उसको इतना महीन काटते हैं भूसी जैसा हो जाता है ये, पानी में डाल दो तो फूल ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है, देखा है, खाया भी होगा, गुड आगे आते हैं। तो देखो साइलियम या इसको इस्पागुला कह लो या इसबगुला, ठीक है ना, ये इस्पागुला ना पढ़ के इसबगुला पढ़ो ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज अ कॉमन नेम यूज्ड फॉर सेवरल मेंबर्स ऑफ द प्लांट जीनस प्लांटोगो। ये साइलियम या इसबगुला है ये एक नाम दिया गया है किसको, बहुत किसको नाम दिया गया है, एक जीनस जो प्लांट का एक जीनस है ना प्लांटोगो, उसके बहुत सारे मेंबर्स को ये नाम दिया गया है, whose seeds जिसके सीड आर यूज्ड कॉमर्शियली, उनके सीड्स को हम लोग कॉमर्शियली मतलब जिनसे पैसा कमाया जाता है, फॉर द इनके सीड्स को हम लोग कॉमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिलेज, ठीक है ना, म्यूसिलेज मतलब चिपचिपी सी चीज जो होती है उसको म्यूसिलेज कहा जाता है ना, कभी इसको भिंगाया है तो देखा होगा चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है, इससे क्या होता है जो हमारे स्टूल होते हैं वो इजिली पास आउट हो जाते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इसबगोल या इसबगोल के नाम से मार्केट में फेमस है ये। साइलियम इज मेनली यूज एज डाइट्री फाइबर, ये डाइट्री फाइबर के तौर पे इस्तेमाल होता है, रिलीफ सिम्टम्स ऑफ बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड माइल्ड डायरिया, ये कब्ज के साथ साथ हल्का पुल्का अगर डायरिया दस्त हो जाए तो उसमें भी काम में देता है, एंड ओकेजनली एज अ फूड थिकनर, जो खाना खाते हैं उसको थिकनिंग इफेक्ट देता है जिससे कि पेट भरा भरा सा लगे, ठीक है। यूज ऑफ साइलियम इन डाइट फॉर 3 वीक्स, देखो इसके बड़े फायदे हैं, अगर 3 हफ्ते लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉन्गर,
अक्सर लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देता है। किसमें? जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पीपल विद एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, उनके अंदर ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। एंड कैन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर देगा किसके अंदर? टाइप 2 डायबिटीज, जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई है। यूज ऑफ साइलियम फॉर मंथ, एक महीने उससे ज्यादा इस्तेमाल करें, प्रोड्यूस अ स्मॉल रिडक्शन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इवन जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, ऐसा होता ना 80 और 120, तो ये सिस्टोलिक है 80 वाला, ये डायस्टोलिक होता है। इस प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, ये 140 है, 141 है, उसको भी क्या कर देता है, ये कम कर देगा। ओके, द प्लांट फ्रॉम विच द सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड, जो प्लांट जिससे सीड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, टॉलरेट ड्राई एंड कूल क्लाइमेट एंड आर मेनली कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं, तो इसको लाइन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ हस्क, हस्क मतलब भूसी, किसकी? ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट प्लांटेगो साइलियम, जो सूखा हुआ सीड होता है किसका? प्लांटेगो साइलियम का। ठीक है, या पी, पी मतलब प्लांटेगो एरेनेरिया, या प्लांटेगो रमोसा, या प्लांटेगो ओवेटा, या प्लांटेगो एम्प्लेक्सिक्यूलिस कॉलिस ऑफ फैमिली प्लांटिजिनेसी। ठीक है ना, तो ये चार नाम दे रखे हैं, और ये सबके सब किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? प्लांटाजिनेसी को बिलोंग कर रहे हैं। तो इनके मेंबर्स हैं सारे, इनकी बीज की भूसी बना लेते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसके अंदर म्यूसिलेज है, पेंटोसन एंड एल्डो बायोनिक एसिड है, फिक्स्ड ऑयल है, प्रोटीन्स हैं, जाइलोज, अब देखो ये वाला पार्ट देखो, जाइलोज एरेबिनोज, ये होना चाहिए गैलेक्टो, गैलेक्टो होना चाहिए था, ठीक है ना, गैलेक्टोरियोनिक एसिड एंड रैमनोज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ पेंटोसन। जब पेंटोसन हमारा हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रेक होगा, तो उसके अंदर से ये सब चीजें निकलती हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? थेरापेटिक एफिकेसी, वो सब ऊपर देखिए हमने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, डायरिया ठीक करेगा, इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा, डायबिटीज ठीक करेगा, वेट लॉस करेगा, है ना, कितना आसान हो गया, ऊपर का पढ़ते पढ़ते थेरापेटिक एफिकेसी हमको लर्न हो गई। क्लियर है, चलें आगे। ओके, देन सेना, पत्ते देख के कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये सेना का प्लांट है, पेड़ ऐसा होगा, प्ले पेड़ भी देखा होगा बहुत से लोगों ने। आगे आते हैं, क्या कह रहा है सेना के बारे में ये? सेना या कैसिया स्पीसीज है ना, इज ए पॉपुलर हर्बल, एक हर्बल लग्जेटिव है, डेट इज अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है प्रिस्क्रिप्शन की, ऐसी मार्केट में अवेलेबल है, इसको खा लो और लग्जेटिव पेट को ठीक कर सकते हो। ठीक है, हर्बल है ना, पौधा यानी कि प्लांट का है। कॉमनली यूज स्पीसीज, जो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होते हैं, बींग कैसिया एक्यूटीफोलिया, बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, या अलेक्जेंडेरियन सेना कहा जाता है, एंड सी का मतलब कैसिया अगस्टी फोलिया। ठीक है ना, ये एक्यूटी फोलिया था, ये अगस्टी फोलिया है, इंडियन और टेनवेली सेना, इसको इंडियन या टेनवेली सेना भी कहा जाता है। क्लियर है, तो यहां से हमारा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स, लीव्स को एक्सट्रैक्ट यानी कि लीव का सुखा लिया है या इसको हरा है तो निचोड़ेंगे, लीव का, फ्लावर का या फ्रूट का, सेना का, सेना के एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका निचोड़ जो होगा किसका, पत्तों का, फूल का या फल का, हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी, सदियों से इस्तेमाल हो रहा है इन फोल्क मेडिसिन। फोल्क मतलब हमारा जो देसी, देसी इलाज में जो वैद्य लोग हमारे इस्तेमाल करते थे उनमें इस्तेमाल हो रहा है, एज अ लग्जेटिव एंड स्टिमुलेंट, है ना, लग्जेटिव और स्टिमुलेंट के तौर पर, उत्तेजक के तौर पर यह इस्तेमाल होता है। सेना इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेवरल हर्बल टीज, चाय में इस्तेमाल होता है आजकल, यूज फॉर पर्जिंग एंड वेट लॉस, पर्जिंग मतलब बॉडी प्यूरीफाई करना, खा लेंगे बॉडी प्यूरीफाई मतलब क्या है, पूरी आंतों को अच्छे से साफ करेगा, आंतें जितनी अच्छे से साफ होंगी बच्चों उतने अच्छा हमारा बॉडी फिट रहती है, और दूसरा क्या होता है, हमारा वेट भी लॉस होता है। ठीक है ना, आगे आते हैं, द एक्टिव कंपोनेंट इन सेना एक्सट्रैक्ट्स आर, वो यहां लिख दिया मैंने, नीचे भी यही आ जाएंगे, एंथ्राकिनोन डेरिवेटिव एंड देयर ग्लाइकोसाइड्स रेफर्ड टू एज, इसके ग्लाइकोसाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेना ग्लाइकोसाइड्स और सेनोसाइट्स कह देते हैं। ठीक है, सेनोसाइट्स आर नॉट एब्जॉर्ब बट आर हाइड्रोलाइज्ड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बट हाइड्रोलाइज तोड़ दिए जाते हैं कॉलोनिक बैक्टीरिया, जो हमारे कोलोन में बैक्टीरिया है, हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया है वो इसको तोड़ेंगे, रिलीजिंग द एक्टिव मॉइटी, मॉइटी मतलब जो मेन कंपाउंड निकलेगा इसके अंदर से, सेना के सेनोसाइट को तोड़ने के बाद
जब बैक्टीरिया तोड़ देगा उसको तो उसके अंदर से एक मेन कंपाउंड निकलेगा, रीन, ठीक है ना, रीन भी कहते हैं इसको हम लोग, एंड रीन एंथ्रोन, दो कंपाउंड निकलेंगे मेन टूटने, विच आर अपियर टू एक्ट एज लोकल इरिटेंट ऑन द कोलोन, कोलोन के ऊपर लोकल इरिटेंट मतलब कोलोन को चिचड़ा बनाएगा, चिचड़ा बनाने से मतलब है कोलोन को हिलाएगा, तो कोलोन क्या करेगा, ज्यादा मोशन करना स्टार्ट करेगा, प्रमोटिंग पेरिस्टाइलिस एंड एवोक्यूशन। मान लो तुम शांति से बैठे हुए हो, अगर कोई पिन करे तो वो तुमको क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो यहाँ पर इरिटेंट का मतलब यही है, उसको चालू कर देगा, मोशन करो भाई मोशन करो, ठीक है ना, कौन सेना आएगा और कोलोन से कहेगा मोशन करो स्टार्ट करो, वो उसको चिढ़ाना शुरू कर देगा, बात समझो, केमिकली यानी कि हाथ से निकाल कर चिढ़ाना शुरू कर देगा। सिनोनिम की बात करें तो टिन्नीविल सेना, फोलिया सेना एंड कैसिया सेना, ये मार्केट में मतलब कॉमन नाम है इनके, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज ड्राइड लीवलेट ऑफ कैसिया एंगस्टिफोलिया, जो इंडियन है, ये इंडियन लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, कैसिया एक्यूटिफोलिया अलेक्जेंड्रियन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, ओके। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो एंथ्राक्विनोन, ठीक है ना, सेनोसाइड से, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, है ना, याद हो जाएंगे, ये तो सेना के नाम से ही है, सेनोसाइड डी, ए बी सी डी, सेनोसाइड सी एंड डी आर माइनर कॉन्स्टेंट, ठीक है, लाइन मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। लीव्स आल्सो कंटेन रीन और एलॉय एमोडीन, ये भी होता है इसके अंदर लो, और आइसोर, तो देखो रीन ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, सेनोसाइड ए बी सी डी एंथ्राक्विनोन, ये चार पांच याद हो गए, खेल खत्म हो गया, नीचे वाला छोड़ दो, फिर भी आप रीड कर देता हूँ एक बारी, फाइटोस्टिरोल, सैलिसाइलिक एसिड, म्यूसिलेज, रेजाइन एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। ए ग्लाइकोन ऑफ सेनोसाइड इज नोन एज सेनिडीन विच इज इन डायएंथ्रोन ऑफ रीन, ठीक है, ये ना याद रहे छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो लोग याद कर सकते याद कर ले, पांच कम से कम याद रखो काफी है, ठीक है, आगे आए। थेरापेटिक एफिकेसी, इट इज यूज्ड, कैसे यूज होता है ना, ये तो हमको पता ही है, लग्जेटिव वाला पार्ट तो इसका है ही है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव इन केस ऑफ एक्यूट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबा और जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो तब, टू प्रोड्यूस सॉफ्ट स्टूल इन केस ऑफ एब्डोमिनल ऑपरेशन, अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर नहीं चाहेगा कि टांके लगे होते हैं कि टाइट लग करे, कोई पेशेंट टाइट लेटरिंग आए, इसे ताकत लगाए और टांके खुल जाए, ठीक है, या फिर एनाल रेक्टल ऑपरेशन, एनएस का ऑपरेशन हो रखा हो, ताकत लगाओ तो टांके खुल जाते हैं, ठीक है। हेमरॉइड, हेमरॉइड मतलब कह सकते हैं हम लोग बवासीर वगैरह जब हो रखी होती है, एक्सरे फॉर इंटेस्टाइन, या जब इंटेस्टाइन का एक्सरे वगैरह हो रहा होता है, तो ठीक है ना, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास क्या थे, लग्जेटिव वाला पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगर पार्ट लेके आएंगे इसका, तब तक इसको क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है, उन तीन चीज पर ज्यादा फोकस करना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट एंड थेरापेटिक एफिकेसी, लगभग लगभग मिलती जुलती होती है, और कुछ नहीं करना है और रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करो, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बात क्लियर है, ओके, ऑल द बेस्ट।